10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर लखनऊ से। आज लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 400 से ज्यादा देशी विदेशी कंपनियां लेंगी इसमें हिस्सा। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 12 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान 30 से ज्यादा सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें कारोबारी जगत से जुड़े दिग्गज भाग लेंगे और इस दौरान पीएम मोदी ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही इन्वेस्ट यूपी 2.0 की शुरुआत भी होने जा रही है। बता दें कि ये समिट 3 दिन तक पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा लेकिन मुख्य आयोजन लखनऊ में होगा, रहेगी नजर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। लखनऊ दौरे के बाद पीएम मोदी आज मुंबई में 2 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी सोलापुर और शिरडी के लिए 2 ट्रेनों को रवाना करेंगे। वंदे भारत के ट्रेनों के हरी झंडी दिखाने के साथ ही मुंबई से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी और देश में इनकी कुल संख्या 10 हो जाएगी। साथ ही मुंबई में 2 सड़क परियोजनाओं को भी देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। आज फिर दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। हंगामे और नारेबाजी के बीच संसद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पर संसद में जवाब देंगी। वित्त मंत्री लोकसभा में आज आम बजट पर विपक्षी सवालों का जवाब देने वाली हैं जिस पर हमारी भी नजर रहेगी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 13 फरवरी तक सदन में रहने का व्हिप जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का हिंडनबर्ग मामले को लेकर प्रोटेस्ट भी लगातार जारी है। बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला सत्र भी कल समाप्त हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, कल देहरादून में छात्रों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के बाद अब बेरोजगार संघ ने आज उत्तराखंड बंद का ऐलान कर दिया है। संघ ने छात्रों और बेरोजगारों से घरों से बाहर निकलकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने घंटाघर के पास धारा 144 भी लागू कर दी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों पर लाठीचार्ज की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं और सीएम ने मामले की जल्द जांच रिपोर्ट भी मांगी है। यूके पीएससी अभ्यर्थियों और पुलिस में ये झड़प हुई थी, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आगे बढ़ते हैं, 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव की सुगबुगाहट 4थी बार तेज हो गई है। एमसीडी और दिल्ली सरकार में अगली बैठक को लेकर सहमति बन गई है। एमसीडी ने अगली बैठक गुरुवार 16 फरवरी को बुलाने का प्रस्ताव रखा है। केजरीवाल सरकार ने भी 16 फरवरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने पहले 13 से 14 फरवरी को एमसीडी की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन 13 फरवरी को इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आगे बढ़ते हैं, 6ठी खबर पर नजर डालते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान से है। आज अशोक गहलोत अपना बजट पेश करेंगे। 11 बजे अपना बजट पेश करने वाले हैं और इसी साल राजस्थान विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में ये बजट अहम माना जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री सूबे की आवाम के लिए बजट भाषण में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। चुनावी साल आ रहा है, बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसरो के सबसे छोटे SSLV रॉकेट की सफल लॉन्चिंग हुई है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-07 भेजा गया है। इससे पहले पिछले साल 7 अगस्त को इसी रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे लेकिन आखिरी स्टेज में आपने देखा था गड़बड़ी होने की वजह से दोनों गलत ऑर्बिट में पहुंच गए थे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश के 75 स्कूल से छात्र छात्राओं को बुलाया गया है जिसमें सैटेलाइट 2.0 में इन सभी छात्रों छात्राओं का योगदान है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 8वीं बड़ी खबर, तुर्की सीरिया में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भूकंप से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। घायलों की संख्या 64,000 के करीब हो गई है। 95 से ज्यादा देश मदद पहुंचा रहे हैं और इसी बीच भारतीय रेस्क्यू टीम ने तुर्की के नूरदागी शहर में एक 6 साल की बच्ची का रेस्क्यू किया है जिसे लेकर होम मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की पहुंची NDRF ने एक बच्ची का रेस्क्यू किया है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज पर नजर डालते हैं। दरभंगा में पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से हमला हुआ है। गश्ती दल की महिला दारोगा और चौकीदार इसमें घायल हो गए हैं। दरभंगा उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करके 2 महिलाओं को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। महिला की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस वालों पर गांव वालों का गुस्सा फूटा है। ग्रामीणों ने पुलिस गश्ती दल पर ही लाठी डंडे के साथ ईंट पत्थर से हमला कर दिया और किसी तरह पुलिस वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। अब आगे 10वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के कीर्तिनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है एक जिम ट्रेनर और छात्रा का शव। पुलिस CCTV फुटेज खंगालने में लगी है। जिस छात्रा का शव मिला है वो कनाडा में IBM की छात्रा थी। पुलिस ने फोन कॉल रिकॉर्ड से मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की है और अभी तक सुलझी नहीं है। लगातार पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।